वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूरतम प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोज राखी जी की कृति मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना मेरे हाथ में है। अभी तक मैंने पढ़ा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना और अपने इस दृष्टिहीन ज्ञान को सगर्व प्रचारित भी करता हूँ मैं। यह कह रहे हैं श्री श्रुतिवंत जी दुबे विजन राष्ट्रपति पदक प्राप्त राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित विद्या वाचस्पति जिला अध्यक्ष इंडियन प्रेस काउंसिल जिला सीधी मध्य प्रदेश। किंतु आज समझा कि मैंने तोता रतन इस पुस्तैनीय ज्ञान को विरासत में पाया और श्रृंखला का सूत्र बनता रहा। मैं हूं व्यक्ति चर समष्टि का प्रतीक हूं एक सिंबल हूं, इसलिए यह ज्ञान भी व्यक्ति तक सीमित न होकर समूह का सच है। कृति मजहबों पर चढ़ी आदर्श की कलई को खोदती मजहबों के काले चेहरे को उजागर करती है। लेखक की कलम मजहब का पोस्टमार्टम करती है और अंग प्रत्यंग चिंतन के द्वार पर सोचने के लिए छोड़ देती है। ये वे सच्चाइयां हैं जो पाठक की सोच को बदल सकती हैं। अन्य मजहबों की संकीर्णता कट्टरता दुराग्रहता और हिंसात्मकता का बयान करना लेखक सनातन धर्म की वैज्ञानिकता और सर्वग्राह्यता का भौतिक खुलासा करता है। पुस्तक मजहबों का फोटोग्राफ है। लेखक एक फोटोग्राफर है जो मजहब के चेहरे को हूबहू दर्शक के सामने रख दिया है। फोटोग्राफर फोटो में अपना कुछ नहीं देता, लेखक ने भी नहीं दिया, पर सोचने के लिए जगह दिया है। इसीलिए वह कहता है मुझ में अब कोई इच्छा नहीं रही कि मैं उन व्यक्तियों को समझाने में अपना समय अपनी ऊर्जा नष्ट करूं जो मेरी बात को समझने की स्थिति तक अभी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे व्यक्ति इन लेखों की महत्ता को तभी समझेंगे जब पानी सर तक आ पहुंचेगा और डूबने की संभावना उन्हें बहुत ही निकट से दिखने लगेगी। और लेखक का इच्छा राहित्य ही संगठन का प्राबल्य है, यही पाठक का आमंत्रण है। जहां वह चिंतन के लिए जगह पाता है इस छोटी सी पुस्तक में बाइबिल ओल्ड वन टेस्टमेंट ईसाई गॉस्पेल कुरान और उनकी आयतें तथा सनातन धर्म का निष्पक्ष निष्काम भाव से यथारूप यथा आदेश और उपदेश प्रस्तुत किया गया है। मजहबों के खेमे में घुटती मानवीयता को मजहबों के खेमे में घुटती मानवीयता की पीड़ा ही लेखक का लेखन सत्य कथन अध्ययन एवं अध्यात्म है। लेखक की नजरों ने मजहब के खंजरों से असहायों निरीहों बेगुनाहों के कटते सिर देखा, बस्तियों की जलती होली देखी है, खून की नदियों में उफान देखा है। यही कारण है कि भावों का साधक चिंतन के कर्म मठ में साधनारत होकर सत्य धर्म के द्वार पर पहुंचता है। इस पहुंच में न खीज है न उदासी है न कचोट है न हथौड़ा प्रहार का कोई आग्रह। वह शांत निर्लिप्त भाव के अपने अध्ययन के निष्कर्ष धर्मसार को फटक के मन मस्तिष्क में निचोड़ देता है और धीरे धीरे रिश्ता हुआ पाठक की सोई हुई चेतना को बिना आवाज के ही जागृत करता है। यह जागृति ही लेखक को भीष्ट है। लेखक कोई उपदेशक नहीं पर मानव धर्म का रक्षक है। इसीलिए उसका पहला और अंतिम संदेश यदि अपने हितों की सुरक्षा चाहते हो तो पहले सनातन धर्म के हितों की रक्षा करो है। यह कोई उपदेश नहीं बल्कि आत्म क्लेश और धर्म क्लेश है। अपने अध्ययन और चिंतन से लेखक ने निष्कर्ष निकाला है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना सटीक एवं तर्क संगत है। तो सनातन धर्म ही मानव धर्म है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव पुष्प चिंतन उद्यान में निहत्ते रहते हैं। कुल मिलाकर किसी संप्रेषणीय है पठनीय है और संग्रहणीय है। मेरे मित्रों अब हम आपको श्री मनोज राखी जी से परिचय कराते हैं। 35 वर्ष की आयु में शिकागो अमेरिका से प्रकाशित हु इज हु इन द वर्ल्ड विश्व में कौन कौन के
1987-88 संस्करण में समाविष्ट। अनेक प्रकार की उनकी योग्यताएं हैं। शिक्षा भारत के विभिन्न प्रांतों में हुई। हाई स्कूल मेरिट छात्रवृत्ति, इंग्लिश मैथमेटिक्स डिस्टिंक्शन, स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में छठा स्थान, चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण, अंकों के आधार पर आर्टिकलशिप में एक वर्ष की छूट, कंपनी सेक्रेटरी जैसे कंप्यूटर सिस्टम एनालिसिस की परीक्षाओं में उत्तीर्ण। नानाजी अपने समय के प्रख्यात शल्य चिकित्सक थे। विवाह के पहले माँ की पढ़ाई हाई स्कूल तक हुई थी और विवाह के बाद घर पर रहकर पितामह की देखरेख में इंटर तक की पढ़ाई की थी। पिता स्वर्ण पदक प्राप्त इंजीनियर थे, पितामह डॉक्टर, प्रपितामह लेखक पर्यटक शिक्षाविद। 3 माह में काशी में रहा था, कुल मिलाकर कोई 4 वर्ष। उन दिनों प्रपितामह के नाम पर कन्याओं के लिए इंटर कॉलेज हुआ करता था। यह 1970 के पहले की बात है। प्रपितामह के पिता ने काशी आकर शिव प्रतिष्ठा की। उन दिनों रेल यात्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। गंगा मैया की गोद में बजरे द्वारा यात्रा करते हुए सपरिवार कोलकाता से काशी आकर बसे और संसार में रहकर योगी की भांति शेष जीवन व्यतीत किया। उन सभी के कुछ कुछ अंश मुझे मिले। राखी जी कहते हैं, 46 वर्ष की आयु में अनेक गंभीर और त्वरित आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरते हुए एक दिन नारायणी माँ अवतारणी से मांग बैठा, बहुत कार्य कर लिया माँ जीविकोपार्जन हेतु, अब मुझे वह कार्य दो जो तुम्हारी सेवा में हो। कुछ ही समय के पश्चात 48वें वर्ष की आयु में जीविकोपार्जन के कार्य से निवृत्त लेकर संन्यास हेतु भारत लौटा, पर माँ अवतारणी ने कुछ और ही निर्णय कर रखा था। 2 वर्षों तक विभिन्न परिस्थितियों से गुजार कर तब मुझे वह कार्य सौंपा जिसे विगत 10 वर्षों से 2002 से आपकी सेवा में कर रहा हूँ। अब चलिए श्री मनोज राजपूत जी आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। श्री मनोज राजपूत जी कहते हैं, बचपन में मैं सुनता आया था मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ईसाई धर्म प्रेम दया और मानवता की सेवा का धर्म है, टेरेसा ने गरीबों के गरीब की सेवा कर विश्व में एक आदर्श सेविका आदर्श स्थापित किया, जीवन के 50 साल तक मैंने इन्हीं बातों पर विश्वास किया, शिक्षा मीडिया और प्रचार का प्रभाव मानव की सोच और भावनाओं को इस हद तक प्रभावित कर सकता है, पर अब मैंने स्वयं उन धर्म ग्रंथों को पढ़ा, फिर उन सिखों के आधार पर उन धर्मों के अनुयायियों ने मानवता के साथ क्या विभिन्न व्यवहार किया है इसका इतिहास भी पढ़ा। मनोज राखीत जी कहते हैं कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं विश्व की तबाही के लिए जो वक्तव्य और उपदेश विभिन्न मजहबों के ग्रंथों में दिया गया है। इन सब बातों को प्रस्तुत करने के लिए मैं इस संबंध में प्रामाणिक ग्रंथों का उपयोग करता हूं। ऑक्सफर्ड शब्दकोश बृहत संस्करण के अनुसार बाइबल ईसाई बाइबल का प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म का मूल है। यहूदी धर्म की शिक्षाएं इसमें सम्मिलित है जो ईसाई धर्म को भी मान्य है। ईसाई बाइबल के किंग जेम्स वर्सन को ईसाई पोप की मान्यता प्राप्त है। इसमें सन्निहित शिक्षाओं में से हम कुछ के उद्धरण यहाँ प्रस्तुत करेंगे जो यहूदी और ईसाई धर्म के बारे में आपकी मान्यताओं को अपनी दिशा देगी। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं अपना संदेश आपके नाम, पूरे भारत देशवासियों के नाम। ओके, यहूदी मूल का पवित्र बाइबल ओल्ड टेस्टमेंट ड्यूटेरोनॉमी 12:1 ये है बाइबल के गॉड यानी ईश्वर के विधान कानून, जिनका तुम पालन करोगे तब तक जब तक तुम इस पृथ्वी पर जियोगे। यानी बाइबल का गॉड यहूदियों को उपदेश कर रहा है, ईसाइयों को उपदेश कर रहा है, तुम तब तक पालन करोगे जब तक तुम इस पृथ्वी पर जियोगे। 12 के दूसरे वर्ष में वे कहते हैं, तुम पूरी तरह विनाश कर दोगे उन सभी स्थानों का जिन पर तुमने अधिकार किया। यदि वहां के लोग किसी भी अन्य भगवान की पूजा करते हों, चाहे वे ऊंचे पर्वतों पर बसते हों या पहाड़ियों पर या फिर हरी भरी वादियों में। 12:3 में कहते हैं,
और तुम उनके पूजा की वेदियों को विध्वंस कर दोगे, उनके पूजा के स्तंभों को तोड़ दोगे, उनके कोनों को जला दोगे, उनके देवी देवताओं के अंकित चित्रों को चीर डालोगे, गढ़ी हुई मूर्तियों को काट डालोगे, उनका नाम तक वहां से मिटा डालोगे। 13:6 यदि तुम्हारा सगा भाई जो है तुम्हारी अपनी माँ का बेटा या तुम्हारा पुत्र तुम्हारी पुत्री तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारे हृदय में बसती हो या तुम्हारा वह मित्र जो तुम्हारी अपनी आत्मा के समान है, इनमें से यदि कोई तुम्हें चुपके से फुसलाए कि चलो हम चलकर दूसरे धर्म के भगवान की पूजा करें जो न तुम्हारे भगवान है न तुम्हारे पूर्वजों के, 13:8 न तुम अपनी सहमति दोगे, न तुम उनकी बात सुनोगे, न तुम्हारी नजर में उसके प्रति दया होगी, न तुम उसे क्षमा करोगे, न तुम उसे छुपाओगे, 13:9 तुम उसे अवश्य ही मार डालोगे, तुम्हारा हाथ वह पहला हाथ होगा जो उसे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाएगा, उसके बाद दूसरे लोगों के हाथ उस पर पड़ेंगे, 13:10 और तुम उसे पत्थरों से मारोगे ताकि वह मर जाए क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे अपने भगवान से दूर ले जाने की चेष्टा की। 20:16 उन धर्मों उन शहरों को जिनका तुम्हें तुम्हारे गॉड ने उत्तराधिकारी बनाया उन शहरों के लोगों में से किसी को भी सांस लेता न छोड़ना, उन्हें पूर्णतया नष्ट कर देना। 32:24 उन्हें भूख से तड़पाओ और जलती हुई आग की लपटों को निकल जाने दो और उनके शरीरों को उनकी मौत अत्यंत दुखद हो। मैं भी भेजूंगा जानवरों को जिनके दांत उनके शरीरों पर गड़ेंगे और सांपों को जिनका विष उन्हें धूल चटाएगा। 32:25 बिना तलवार के उनके दिनों में आतंक भर दो, नष्ट कर दो जवान मर्दों को कुमारियों को माँ का दूध पीते नन्हे बच्चों को और वृद्धों को जिनके बाल पक चुके हों। मेरे प्यारे बंधुओं ये सब बातें लिखी हुई है उस पवित्र बाइबल में जिन्हें आप करुणा और प्रेम का उत्स मानते हैं। यहूदी मूल का पवित्र बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में ईसाइया में कहा गया है 13:16 उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को पूरी शक्ति के साथ उठाकर पटको ताकि उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए, उनकी पत्नियों का बलात्कार करो। यहूदी मूल का पवित्र बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट नंबर्स 31:17 बच्चों में प्रत्येक नर का तत्व कर डालो और प्रत्येक उस स्त्री का भी जिसने किसी पुरुष के साथ सहवास किया हो। 31:18 में कहते हैं पर उन सभी मादा बच्चों को जिन्होंने किसी पुरुष के साथ सहवास न किया हो उन्हें अपने लिए जीवित रखो, उनके साथ तुम सहवास करना। यहूदी मूल का पवित्र बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट 110 में लिखते हैं 23:24 तुम दूसरों के गॉड के सामने न तो झुकोगे और न उनकी सेवा करोगे बल्कि उन्हें पूरी तरह से विध्वंस कर दोगे, उनकी मूर्तियां तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दोगे। 34:13 में कहते हैं तुम उनकी पूजा की वेदियां ध्वंस कर दोगे, उनकी मूर्तियों को तोड़ दोगे, उनके कोनों को काट डालोगे। 34:14 में लिखते हैं तुम किसी भी दूसरे गॉड की सेवा न करोगे क्योंकि लॉर्ड जिसका नाम ईर्ष्यालु है वह एक ईर्ष्यालु गॉड है। यहूदी मूल का पवित्र बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट नाहुम में कहते हैं 1:2 गॉड ईर्ष्यालु है, लॉर्ड बदला लेते हैं, जब लॉर्ड बदला लेते हैं तो वह क्रोधोन्मत्त हो जाते हैं, लॉर्ड क्रोध लेंगे अपने विरोधियों से, वे अपना क्रोध बरसाते हैं अपने शत्रुओं पर। ईसाई मूल का पवित्र बाइबल न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू, ये जो सेंट मैथ्यू है वो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से मुख्य शिष्य हैं। उन्होंने ईसा से जो सुना और जो सीखा उसे गॉस्पेल में निबद्ध किया। गॉस्पेल कहते हैं ईसा की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के संकलन को। सुनिए ईसा की कथनी मैथ्यू की जबानी 10:34 न सोचो कि मैं आया हूँ विश्व में शांति लाने के लिए, मैं आया हूँ शांति के लिए नहीं बल्कि तलवार के लिए। 10:35 क्योंकि मैं आया हूँ आदमी को अपने पिता के विरुद्ध खड़ा करने, पुत्री को माता के विरुद्ध, बहू को सास के विरुद्ध, मनुष्य का शत्रु होगा उसका अपना परिवार।
ईसाई मूल का पवित्र बाइबल न्यू टेस्टामेंट ल्यूक, संत ल्यूक बाइबल में एक गॉस्पेल ईसा की शिक्षाओं के लेखक हैं। 12:51 में वे लिखते हैं, तुम समझते हो कि मैं आया हूँ इस धरती को अमन चैन देने? मैं तुम्हें बताता हूँ, नहीं, मैं आया हूँ बंटवारा करने। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मैं आया हूँ बंटवारा करने। 12:52 में कहते हैं, क्योंकि अब से घर में 5 बटे होंगे, 3-2 के विरुद्ध, 2-3 के विरुद्ध। 12:53, पिता होगा पुत्र के विरुद्ध, पुत्र होगा पिता के विरुद्ध, माँ होगी पुत्र के विरुद्ध, पुत्री होगी माता के विरुद्ध, सास होगी बहू के खिलाफ, बहू होगी सास के खिलाफ। 14:26 में लिखते हैं, यदि एक व्यक्ति मेरे पास आता है और वह अपने पिता से घृणा नहीं करता, माता से घृणा नहीं करता, पत्नी से घृणा नहीं करता, संतानों से और भाई बहनों से घृणा नहीं करता, क्यों अपने आप से भी घृणा नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं बन सकता। ये जीसस क्राइस्ट कहते हैं। ईसाई मूल का गॉस्पेल ऑफ थॉमस कहते हैं, सेंट थॉमस ईसा मसीह के 12 मुख्य शिष्यों में से एक थे और उन्होंने ईसा से जो सुना और सीखा उसे गॉस्पेल में लिपिबद्ध किया है। सुनिए ईसा की कथनी थॉमस की जबानी। 16, ईसा ने कहा, संभवतः लोग सोचते हैं कि मैं आया हूँ विश्व में शांति स्थापना हेतु। वे नहीं जानते कि मैं आया हूँ इस धरती पर फूट डालने के लिए, आग तलवार और युद्ध फैलाने के लिए। जहाँ 5 होंगे एक परिवार में, वहाँ 3 होंगे 2 के विरुद्ध और 2 होंगे 3 के विरुद्ध। पिता होगा पुत्र के विरुद्ध और पुत्र पिता के विरुद्ध होगा और वे डटे रहेंगे क्योंकि वे दोनों अपने आप में अकेले होंगे। 56 में कहते हैं, जो अपने पिता से घृणा नहीं करेगा और अपनी माता से भी घृणा नहीं करेगा, वह मेरा शिष्य नहीं बन सकता। वह जो अपने भाइयों और बहनों से घृणा नहीं करेगा और अपना क्रॉस नहीं धोएगा जैसा मैंने किया है, वह मेरे योग्य नहीं बन पाएगा, वह मेरा शिष्य नहीं है। ये हुआ होली बाइबल की बात। अब आइए आपके होली कुरान की बात करते हैं। निम्नोक्त उद्धरणों के स्रोत, कुरान मजीद हिंदी अनुवाद मोहम्मद फारूक खान, अंग्रेजी अनुवाद मिस्टर इकथार, मकतबा अघसनाथ, दरियागंज, नई दिल्ली। कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रस्तुत गई रिट की गई रिट याचिका 227/1985 तो कलकत्ता कुरान पिटिशन वॉयस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। कुरान मजीद हिंदी अनुवाद हजरत मौलाना मौलाना अब्दुल करीम पारेख, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस लाल कुमार दिल्ली, इंडिया रिलीजियस बुक सेंटर नागपुर। एमिनेंट हिस्टोरियंस अरुण शौरी, एसए नोएडा। एवरी हिंदू व्यू ऑफ द वर्ल्ड, एन एस राजा राम, वॉयस ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिट याचिका 227/1985 में कहते हैं, इस याचिका में कांग्रेसी सरकार से अनुरोध किया गया था कुरान पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रांतीय कम्युनिस्ट सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल और केंद्रीय कांग्रेस की सरकार की तरफ से अटर्नी जनरल ने यह दलील दी कि वे सभी आयतें अल्लाह से पैगंबर तक पहुंची, अतः उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जबकि सितंबर 2013 में रूस की न्यायपरायण सरकार ने अपने देश की शुभाकांक्षा करते हुए देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए खतरा तथा युद्धोन्माद उन्मेषक घोषित कर कुरान शरीफ की कापियां जब्त कर पर बैन लगा दी और गैर कानूनी घोषित किया। इस कुरान को भारत की कांग्रेस सरकार ने बनाए रखा। कुरान सूरा 2 अल बकरा में कहते हैं, कुरान का आयत 193, तब तक उनसे लड़ते रहो जब तक मूर्ति पूजा बिल्कुल खत्म न हो जाए और अल्लाह का मजहब सब पर राज करे। 216, लड़ना तुम्हारी मजबूरी है चाहे तुम कितना भी नापसंद करो इसे। कुरान सूरा 4 अन्निसा आयत 95, वे जो पीठ मोड़ने उन्हें पकड़ो, जहां भी उन्हें पाओ और उन्हें हिंसा पूर्वक कत्ल कर डालो,
आयत 56, वे जो अल्लाह के आदेश को नहीं मानते हैं हम उन्हें आग में झोंक देंगे और जब उनकी चमड़ी पिघल जाए तो हम उनकी जगह नई चमड़ियाँ डाल देंगे ताकि उन्हें स्वाद मिले यंत्रणा का। अल्लाह सबसे अधिक शक्तिमान है और विवेकपूर्ण है। कुरान सूरह 8 अल अनफाल आयत 12, जो मेरे अनुयायी नहीं हैं मैं उनके हृदयों में आतंक भर दूंगा, उनके सर धड़ से अलग कर दो, उनके हाथ और पांव को इस कदर जख्मी कर दो कि वे किसी भी काम के लायक न रह जाएं। 15 से 18 तक वो तुम नहीं बल्कि अल्लाह था जिसने हिंसापूर्ण ढंग से उन्हें मार डाला। वह तुम नहीं थे जिसने उन पर दृढ़तापूर्वक प्रहार किया, अल्लाह ने उन पर दृढ़तापूर्वक प्रहार किया ताकि वह तुम जैसे अनुयायी को भरपूर पुरस्कार दे सके। 39, तब तक उन पर हमला करते रहो जब तक मूर्ति पूजा का नामो निशान न मिट जाए और सब अल्लाह के मजहब के अधीन न हो जाए। 67, पैगंबर युद्धबंदी तब तक न बनाएगा जब तक वह उस जमीन पर कत्लेआम न कर ले। कुरान सूरा 9 अत-तौबा आयत 2-3, अल्लाह और उनके पैगंबर मुक्त हैं किसी भी दायित्व से मूर्ति पूजकों के प्रति, उन्हें ऐसी सजा दो कि वे शोक ग्रस्त हो जाएं। आयत 5, जब हराम महीने बीत जाए तो मूर्ति पूजकों को कष्ट कर डालो, जहां भी पाओ उन्हें छिप कर घात लगाए बैठे रहो, उन पर आक्रमण करने के लिए उन्हें घेर लो, बंदी बना लो। यदि उन्हें मूर्ति पूजक होने का पछतावा हो और इस्लाम कबूल कर लें, नमाज पढ़ें, जिकात कर दें, तब उनका मार्ग छोड़ दो, अल्लाह ने उन्हें क्षमा किया और उन पर दया की। आयत 7, अल्लाह और उनके पैगंबर मूर्ति पूजकों को विश्वास की दृष्टि से नहीं देखते। 39, ए मुसलमानों, अगर तुम युद्ध न करो तो अल्लाह तुम्हें कड़ी सजा देगा और तुम्हारी जगह पर दूसरे आदमियों को लाएगा। 41, चाहे तुम्हारे पास हथियार हो या ना हो, चल पड़ो और लड़ो अल्लाह की खातिर अपने धन और अपने शरीर के साथ। 73, ओ पैगंबर, जो मुझ में विश्वास नहीं करते उनसे युद्ध छेड़ो, उन पर कठोर बनो, उनका अंतिम ठिकाना नरक है, एक दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा का अंतिम चरण। आयत 111 में कहते हैं, अल्लाह ने खरीद लिया है अल्लाह पर विश्वास करने वालों से अर्थात मुसलमानों से उनकी जिंदगी और उनकी धन संपत्ति, क्योंकि जन्नत उनका होगा। वे लड़ेंगे अल्लाह के लिए, हिंसा पूर्वक कत्ल करेंगे अल्लाह के लिए और कट मरेंगे अल्लाह के लिए। यह वचन है अल्लाह का कुरान में यहूदियों का धर्मग्रंथ गॉस्पेल में ईसा की दी में शिक्षा है कुरान में, जिससे वह अल्लाह बने हैं। अल्लाह से बेहतर कौन पूरा करता है अपनी प्रतिज्ञा? आनंद मनाओ कि यह जो सौदा तुमने किया है अल्लाह से, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आयत 123 में कहते हैं, मुसलमानों, तुम्हारे आस पास जो भी गैर मुसलमान बसते हो हमला बोल दो उन पर, उन्हें जताओ कि तुम कितने कठोर हो, निर्दय हो, क्रूर हो, जानवर हो। कुरान सूरह 22 अल हज आयत 19 से 22, आग के परिधान वस्त्र बनाए गए हैं उनके लिए जो इस्लाम को नहीं अपनाते, उबलता हुआ पानी उनके सर पर डाला जाएगा ताकि उनकी चमड़ी पिघल जाए और वह सब भी पिघल जाए जो उनके पेट में है, अचड़ियाँ भी उन पर थोड़े बरसाए जाए आग में पकते हुए लाल रंग के बने कोड़ों से। कुरान सूरह 33 अल अहजाब में लिखा है आयत 36, जब अल्लाह और उसके पैगंबर ने निर्णय कर लिया किसी भी बात पर, तो किसी मुसलमान मर्द या औरत को यह हक नहीं कि वह उस बारे में कुछ भी कह सके। कुरान सूरह 47 मोहम्मद आयत 4 से 15, जब तुम्हारा सामना हो उनसे जो मुसलमान नहीं है युद्ध भूमि पर, उनके सर काट डालो, जब तुम उन्हें कुचल डालो तो कस कर बांधो, उनसे धन वसूल करो, उनके हथियार डलवा दो। तुम ऐसा ही करोगे यदि अल्लाह ने चाहा होता तो वह स्वयं उन्हें नष्ट कर देता तुम्हारी सहायता के बिना, पर उसने यह आदेश दिया है ताकि तुम्हारी परीक्षा ले सके, और वे जो अल्लाह के लिए लड़ते हैं कट मरेंगे, अल्लाह उनके काम को व्यर्थ न जाने देगा, वह उन्हें जन्नत में बुला लेगा। अल्लाह का वचन है यह।
मुसलमानों, यदि तुम अल्लाह की सहायता करते हो तो अल्लाह तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हें मजबूत बनाएगा, पर जो अल्लाह का न होगा वह अनंत काल के नरक में सड़ेगा। अल्लाह केवल मुसलमानों की ही रक्षा करेगा, गैर मुसलमानों का कोई भी रखवाला नहीं। जो सच्चे धर्म को और इस्लाम को अपनाएंगे वह अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। तो मुसलमान नहीं बनेंगे, वे वही खाएंगे जो जानवर खाते हैं, नर्क उनका असर होगा। वे वहाँ अनंत काल तक रहेंगे और कौलता हुआ पानी पियेंगे जो उनके अतरियों को चीर देगा। कुरान सूरा 48 अल फतह में लिखा है आयत 29 में, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, जो उनका अनुसरण करते हैं वे गैर मुसलमानों के प्रति बेरहम होते हैं और एक दूसरे के प्रति कृपालु होते हैं। कुरान सूरा 60 अल मुमतहना आयत 4, सतर्कता और घृणा ही रहेगी हमारे बीच तब तक जब तक तुम केवल अल्लाह के बंदे न बन जाओगे, यानी मुसलमान न बन जाओगे। कुरान सूरा 66 अत तहरीम में लिखा गया है आयत 9 में, ओ पैगंबर, जो मुझमें अल्लाह में विश्वास नहीं करते उन पर हमला करो और उनके साथ कठोरता से पेश आओ, नर्क उनका निवास होगा, जो भाग्यपूर्ण उनका भाग्य होगा। कुरान सूरत 69 अलहक्का में लिखा है आयत 30-33 में, उसे पकड़ो, उसे बांधो, जलाओ उसको नर्क की आग में, और उसके बाद बांधो उसे जंजीर से जो हो 70 क्यूबिक लंबा, क्योंकि उसने अल्लाह को नहीं स्वीकारा जो है सबसे ऊपर। प्यारे मित्रों, ये सब बातें लिखी हैं उस कुरान में जिसको तुम लोग मुस्लिम भाई कहकर पुकारते हो, अपने आप काम देते हो, अपने प्रेम करते हो, अपने देश में बसाए रखा है जिन्हें, ये बातें उनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। अब आइए हिंदू धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। इन उद्धरणों का स्रोत है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, हिंदू वीम ऑफ द वर्ल्ड एस एन राधाराम वाइस ऑफ इंडिया दिल्ली, चेंज्स ऑफ इंडिया सेलेक्शन फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 29 में, मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, जो भक्त मुझसे मुझको प्रेम समझते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्येक प्रकट हूँ। ऋग्वेद 1:164-46, एकम सद विपरा भवना वदंती, ब्रह्मांडी सत्य एक है परंतु प्रज्ञावानों से भिन्न भिन्न ढंग से अनुभव करते हैं। शिव महिमा स्तोत्र 3, जिस प्रकार से अनगणित नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से सीधे या टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहते हुए अंत में जाकर उसी सागर से मिलती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छुक तुम ईश्वर तक जा पहुंचते हैं अपनी अपनी चेष्टाओं के द्वारा, अपनी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार। तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मवल्लीय भृगुवल्लीय शांति मंत्र में कहा गया है, ईश्वर हम सबकी रक्षा करें, ईश्वर हम सभी का पोषण करें, हम सभी साथ साथ काम करें, एक होकर मानवता की भलाई के लिए काम करें, हमारा ज्ञान ज्योतिर्मय हो, अर्थपूर्ण हो, हम एक दूसरे के प्रति घृणा न हो, चारों तरफ शांति हो, शांति एवं संपूर्ण शांति हो। तैत्तरीय आरण्यक चतुर्थ प्रश्न प्रवर्ग 42वां अनुवाद, पृथ्वी पर शांति हो, आकाश में शांति हो, स्वर्ग में शांति हो, सभी दिशाओं में शांति हो, अग्नि में शांति हो, वायु में शांति हो, सूर्य में शांति हो, चंद्रमा में शांति हो, ग्रहों में शांति हो, जल में शांति हो, पौधों में शांति हो, जड़ी बूटियों में शांति हो, पेड़ों में शांति हो, गाय भैरों में शांति हो, बकरियों में शांति हो, घोड़ों में शांति हो, मानवों में शांति हो, ब्रह्म में शांति हो, उन व्यक्तियों में शांति हो जिन्होंने ब्रह्म को पाया हो, शांति हो, केवल शांति हो, वह शांति मुझ में हो, केवल शांति, उस शांति के द्वारा अपने आप में स्थायी शांति कर सकूँ, स्थायी शांति प्राप्त कर सकूँ, और सभी द्विपादों में, सभी चतुष्पादों में ईश्वर करे मुझ में शांति हो, केवल शांति हो, और मैं सभी को शांति ही बांटूं, सर्वेषां सबका भला हो, सबके लिए शांति हो, सभी पूर्णता के योग्य हों और सभी उनके अनुभूत करें जो शुभ है, सभी आनंदित हों, सभी स्वस्थ हों, सभी के जीवन में वह जो भला है एवं कोई भी कष्ट में हो वे सब स्वस्थ हों, सुंदर हों, आनंदमय हों। तैत्तरीय उपनिषद शिक्षा वाले 10वां अनुवाद
देवी देवताओं पूर्वजों के प्रति अपने दायित्वों की अवहेलना न करो। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक देवी स्वरूप हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए एक देवता स्वरूप हो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए एक देवता स्वरूप हो, तुम्हारे अतिथि तुम्हारे लिए देवता स्वरूप हो। जहाँ भी तुम दोष रहित कर्मों को किए जाते हुए देखो, केवल उन्हीं का अनुसरण करो, अन्य कर्मों का नहीं। हम जो तुम्हारे गुरु हैं, जब तुमने देखा है हमें अच्छे कर्म करते हुए, तो केवल उन्हीं कर्मों का अनुसरण करो। बृहदारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्रह्मणा 28वां मंत्र। हे ईश्वर, कृपया उन्हें ले चलो नश्वर से अनश्वर की ओर, ले चलो ज्ञान से ज्ञान की ओर, ले चलो मुझे आवागमन की प्रक्रिया से मुक्त कर मोक्ष की ओर। शांति शांति संपूर्ण शांति। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, अब मनुस्मृति का वह भाग हम उद्धृत करते हैं जो एक गौरवपूर्ण योद्धा की आचरण संहिता है, 7 अध्याय का 90 श्लोक। जब राजा अपने शत्रु से युद्धभूमि पर लड़े तो वह किसी ऐसे अस्त्र का प्रयोग न करे जो छुपा हुआ हो, कटीले तारों से बना हो, विष बुझा हुआ हो, इसके फलक से आग लपलपा रही हो। राजा उस तलवार न करे जो युद्धभूमि छोड़कर भाग रहा हो, डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया हो। राजा उस तलवार न करे जो नपुंसक हो, जिसने विनय पूर्वक दोनों हाथ जोड़ लिए हो, या युद्धभूमि से पलायन कर रहा हो, या जिसने घुटने टेक दिए हों और कहता कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। न उस पर वार करो जो सो रहा हो, या जिसके कवच खो गए हों, या जो नग्नावस्था में हो, या फिर जिसने हथियार डाल दिए हों। न उस पर वार करो जो युद्ध में भाग न लेता हुआ केवल दर्शक मात्र हो। उस पर वार कभी न करो जो दूसरे शत्रु से लड़ रहा हो। 7:93 में लिखा है, न उसके ऊपर वार करो जिसके अस्त्र टूट चुके हैं, न उस पर वार करो जो शोक में डूबा हुआ है, न उस पर वार करो जो भीषण रूप से घायल है, न उस पर वार करो जो आतंकित है, न उस पर वार करो जो युद्ध क्षेत्र से भाग रहा है। अब प्यारे बंधुओं, हम आपको कुछ फैसला सुना रहे हैं। 31 जुलाई 1986 कुरान मजीद की आयतों को ध्यान पूर्वक पढ़कर यह स्पष्ट है कि वे हानिकारक है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट JS लोहार का फैसला, यह हानिकारक है, अज्ञानता की शिक्षा देते हैं। इसके फलस्वरूप एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ अन्य संप्रदाय के बीच मनुष्यता बनाता है। लेकिन भारत की बर्बादी की दुर्भिसंधि वाले कांग्रेसी सरकार ने धूर्ततापूर्वक इस फैसले को दबा दिया। इस्लाम पर स्वामी विवेकानंद, जिनका जीवन काल 1862 से 1902 तक था, उनके वक्तव्य सुनिए। जिनके स्रोत हैं, इन उदाहरणों के स्रोत हैं कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद Volume 1-8। सोचिए उन लाखों करोड़ों लोगों के बारे में जिनका कत्लेआम किया गया मोहम्मद की शिक्षाओं के कारण, और उन माताओं के बारे में जिन्होंने अपने संतानों को खोया, उन बच्चों के बारे में जो नाश हो गए, देश के देश जो उजड़ गए, लाखों करोड़ों जो मारे गए हैं उस युद्ध में। ये युद्ध सतत चलते ही रहे हैं। कुरान का एक सिद्धांत है, जो उनकी शिक्षाओं को न माने उसका कत्ल कर देना उस पर दया करने के समान है। ऐसा करना स्वर्ग प्राप्ति का निश्चित माध्यम है, जहाँ सुंदर गुड़ियां सभी प्रकार से इंद्र तृप्ति के साधन बिताएंगी। सोच कर देखें कितना खून बहाया होगा ऐसी मान्यताओं के कारण। मुसलमान आए कुरान एक हाथ में और तलवार दूसरे, कुरान स्वीकार करो या मृत्यु वरण करो, कोई दूसरा विकल्प नहीं तुम्हारे पास। इतिहास सबको बताता है कितनी असाधारण रही उनकी सफलता, कोई न रोक पाया उन्हें 600 वर्षों तक। फिर एक समय आया जब उनकी गति रुद्ध हो गई। यही होगा अन्य धर्मों का यदि वे इन्हीं राहों को चुनेंगे। Volume 2, page 370। ये अज्ञानी यह कहने का दुस्साहस करते हैं कि उनमें सभी पूरी तरह से गलत हैं, या केवल वे ही सही हैं, और केवल वे ही सही हैं। यदि उनका विरोध किया जाए तो वे लड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हम कत्ल कर डालेंगे हर किसी को जो इन बातों में विश्वास नहीं करते जिनमें मुसलमान विश्वास करते हैं। Volume 4, page 52।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुसलमान सदा से मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं, पर देखा जाए तो हजारों राजनीतिक मिशन वाले सूफी संतों को पूछते हैं। एक की बात एक सैलाब की भांति वे आते रहे भारत की धरती पर, सब कुछ रौंदते हुए सैकड़ों वर्षों तक तलवारे चमकाते रहे, अल्लाह के पुत्र की गूंज आसमान को छूता हुआ, परंतु में न सैलाब रहा न हमारे आदेश बदले। इस्लाम का सैलाब जिसने सारे विश्व को निगल डाला, अंततः उसे भारत आकर रुकना पड़ा। जब मुसलमान यहाँ शुरू से हमें आए तो बताते हैं कि हम 60 करोड़ हिंदू थे। ये मुसलमान हिस्टोरियन फरिश्ता की कथनी है। अब हम 20 करोड़ रह गए हैं। हर वह शख्स जो हिंदू से मुसलमान बना वह एक हिंदू कम नहीं हुआ बल्कि एक शत्रु बना। इस्लाम और ईसाई धर्म से विकृत हिंदुओं में बहुसंख्यक हुए हैं जो तलवार की नोक पर विकृत किए गए हैं, और उनके वंशज जिनके पूर्वजों को विकृत किया गया था। इस्लाम और ईसाई धर्म पर श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर 1861 से 1941। इस धरा पर दो ऐसे धर्म हैं जिनमें अन्य सभी धर्मों के प्रति स्पष्ट शत्रुता व्याप्त है, यह है इस्लाम और ईसाई धर्म। ये अपना अपना मजहब पालन करने में कतई संतुष्ट नहीं होते, बल्कि उन्होंने दृढ़ संकल्प कर रखा है कि वे अन्य सभी मजहबों को नष्ट कर देंगे, सारे धर्मों को नष्ट कर देंगे। परिणाम स्वरूप उनके साथ शांति स्थापित करने का एक ही जरिया रह जाता है, उनका धर्म स्वीकार कर लेना। ये ओरिजिनल वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वॉल्यूम 24 पेज 375 विश्व भारती 1982। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक जो हिंदू मुस्लिम एकता को वास्तविक बनाना लगभग असंभव कर देता है वह यह है कि मुसलमान अपने राष्ट्रभक्ति को कभी भी एक राष्ट्र के दायरे में बांध कर नहीं रख सकता। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से मुसलमानों को एक प्रश्न किया था, यदि कोई मुसलमान राष्ट्र भारत पर आक्रमण करता है तो क्या वे अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ खड़े होंगे वो धरती को बचाने के लिए जो हिंदुओं का भी है और उनका भी, जिसने उनको अन्न पानी खिलाया इतने वर्षों तक बड़ा किया, क्या उस देश के लिए उनका कोई कर्तव्य होता है? मुझे जो उत्तर मिले उनसे मन संतुष्ट न हो पाया। यहाँ तक कि मोहम्मद अली ने घोषणा की कि किसी भी स्थिति में एक मुसलमान को यह अधिकार नहीं, चाहे जो भी उसका राष्ट्र हो, कि वह अन्य मुसलमान के विरुद्ध खड़ा हो। टाइम्स ऑफ इंडिया में रविंद्रनाथ का इंटरव्यू, ये 18/4/1924 में प्रकाशित हुआ था। कॉलम टू इंडियन आई ऑन द पोस्ट खिलाफत हिंदू मुस्लिम राइट्स एमिनेंट इंडियंस ऑनलाइन इस्लाम। इस्लाम पर श्रीमती एन बेसेंट द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी 1847 to 1935। उनके वक्त वहां से महान मानवतावादी नेत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूतपूर्व अध्यक्षा का कथन। खिलाफत के बाद बहुत कुछ बदल गया। भारत के ऊपर अनेक अत्याचारों में से एक था यह। खिलाफत के जिहाद को बढ़ावा देने से मुसलमानों ने हिंदुओं के प्रति दबी हुई घृणा अपने नग्न और निर्लज्ज रूप में बाहर आ गई, ठीक वैसे ही जैसे पुराने दिनों में हुआ करती थी। वास्तविकता की राजनीति में हमने एक बार फिर देखा मुसलमानों की तलवार का मजहब। सदियों की बुराई में सच्चाई को धीरे धीरे बाहर आते देखा। वही पुरानी अलगाववाद, जजरुत अरब का दावा, अरब द्वीप के रूप में जहाँ एक गैर मुसलमान के गंदे पांव न पड़े, हमने सुना मुसलमान नेताओं द्वारा घोषणा, यदि अफगान के मुसलमान भारत पर हमला करें तो भारत के मुसलमान अपने हम मजहब का साथ देंगे और हिंदुओं का कष्ट करेंगे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने शत्रु से लड़ेंगे। हमें यह देखने पर बाध्य होना पड़ा कि मुसलमानों की पहली निष्ठा मुस्लिम राष्ट्रों के प्रति अपनी मातृभूमि के प्रति नहीं। हमने यह जाना कि उनकी सबसे गहरी आशा है अल्लाह के वतन की स्थापना, उस ईश्वर के जगत की नहीं जो संसार का पिता हो, जो समस्त जीवों से प्रेम करता है, बल्कि एक ऐसे अल्लाह की जिसे मुसलमान देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की नजरों से जो उन्हें अल्लाह का ऐसा पैगंबर प्रतीत होता है जिसे अल्लाह ने अपनी कमान सौंप रखी है। मुसलमान नेतृत्व का अब यह दावा है कि मुसलमान केवल अपने उस पैगंबर का कानून मानेंगे जो उस राष्ट्र के कानून से ऊपर है जिसमें वे रहते हैं।
यह राष्ट्र के नागरिकों में शांति सुव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्थायित्व के लिए बहुत 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 घातक है। यह उन्हें बुरा नागरिक बनाता है क्योंकि उनकी राजभक्ति बाहरी राष्ट्र के प्रति है। मलाबार ने हमें सिखाया कि मुस्लिम राष्ट्र का आज भी क्या अर्थ है और हम भारत में एक और खिलाफत राज नहीं देखना चाहते। जो मुस्लिम मलाबार से बाहर रहते हैं, केरल से बाहर रहते हैं, उनमें मोपलाओं मलाबार के मुसलमानों के प्रति की कितनी सहानुभूति रही है, इसका प्रमाण हमें मिला जब उन्होंने अपने मजहबी भाइयों के बचाव की व्यवस्थाएं की। मिस्टर गांधी ने स्वयं कहा कि उन मुसलमानों ने वैसा ही किया जैसा उनके विश्वास के अनुसार उनके मजहब ने उन्हें करना सिखाया। एनी बेसेंट कहते हैं, मुझे भय है कि गांधी की मूर्ता जघन्य है जो भारत को बर्बाद करके रहेगी, पर एक सभ्य देश में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं जो यह मानते हैं कि उनका मजहब उन्हें कत्ल, लूट, बलात्कार, जलाना अथवा उन लोगों को अपनी धरती से बेदखल करना जो अपने पूर्वजों का धर्म त्यागने को तैयार न हो। ये ठग मानते हैं कि उनकी सलाह ने उन्हें आदेश दिया है कि वे गला घोंट दें उन यात्रियों का जो धन के साथ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे दुष्टों की दुष्कल्पना से निर्मित अल्लाह के कानूनों को इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वे एक सभ्य देश के कानूनों का उल्लंघन करें। 20वीं सदी के लोगों को चाहिए कि वे या तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित करें जो इस प्रकार के मध्यमगीन सोच को प्रश्रय देते हैं, तो उन्हें देश निकाला दे दें। महाराष्ट्र की स्वतंत्रता के संबंध में सोचते हुए मुसलमान राष्ट्र की हानिकारकता को ध्यान में रखना होगा। Sources, the future of Indian politics, page 301-305. And अब हम आपको रूबरू कराते हैं शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी से, जिनका कार्यकाल रहा है 1876 से 1938 तक। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं, यदि मुसलमान कहें कि हम हिंदुओं के साथ एकता चाहते हैं तो यह धोखे के सिवाय कुछ नहीं। कोई कहता है कि मुसलमान भारत आए केवल लूटने के लिए, अपना राज स्थापित करने के लिए नहीं, पर वे केवल लूट से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों को ढहा दिया, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा, हिंदू स्त्रियों का बलात्कार किया। सत्य तो यह है कि वे अन्यों के धर्म एवं मानवता का निरादर करने और सर्वाधिक क्षति पहुँचाने से कभी नहीं चूके। जब मुसलमान हमारी धरती के शासक बन गए तब भी वे अपनी इस घंट मानसिकता से बाहर नहीं निकल सके। तथाकथित उदार राजा अकबर ने भी हिंदुओं को बलात्कार और यंत्रणा से नहीं बख्शा। यह स्पष्ट है कि बलात्कार एवं यंत्रणा की तहजीब उनके जन्मजात स्वभाव का अंग बन चुकी है। जब मुसलमान अपने मजहब की ऊंची उड़ान से नीचे गिरेंगे तब शायद उन्हें एहसास होगा कि यह सब ऐसा जंगलीपन था जिसकी तुलना नहीं हो सकती। परंतु मुसलमानों को अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है इसके पहले कि उन्हें इस बात की समझ आए। उनकी आंखें कभी नहीं खुलेंगी यदि सारा संसार एकजुट होकर उन्हें सही सबक न सिखाए। ये है वर्तमान मुस्लिम समस्या, शत्रुघ्न चटर्जी, संपादित दीपंकर चट्टोपाध्याय, प्रकाशक मानदी जन्य प्रकाश में के इस कोलकाता। अब हम आपको रूबरू कराते हैं सर जगन्नाथ सरकार के कथन, 1870-1958। विश्व प्रसिद्ध इतिहासज्ञ जगन्नाथ सरकार कहते हैं, कुरान के कानून के अनुसार एक मुसलमान राजा पड़ोसी गैर मुसलमान राजा के बीच कभी शांति संभव नहीं। गैर मुसलमान राज्य दार कुल हर्ब है और उससे अकारण युद्ध छेड़ना जायज है। मुसलमान राजा का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें यानी कि गैर मुसलमान को लूटे, उनका कत्ल करे तब तक जब तक वे उनके यूनानी खुराफाती मजहब इस्लाम को स्वीकार न कर लें और वह राज्य दार उल इस्लाम केवल इस्लाम की धरती न बन जाए। इसके बाद वे उसके यानी मुसलमान राजा के संरक्षण के अधिकारी बनेंगे। यह है अब सुनिए योगी अरविंद घोष के वक्तव्य, जिनका कार्यकाल रहा है 1872 से 1950 तक। श्री अरविंद घोष कहते हैं,
आप मैत्रीपूर्ण ढंग से जी सकते हैं उन लोगों के साथ जिनका धर्म सहिष्णुता उदारता सिद्धांत पर बना हो, पर उन लोगों के साथ आप कैसे जिएंगे जिनका सिद्धांत हम आपको नहीं सहेंगे। यह निश्चित है कि हिंदू मुस्लिम एकता का आधार यह नहीं हो सकता कि मुसलमान तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते जाए, पर हिंदुओं को यह अधिकार न हो कि वह किसी मुसलमान को हिंदू बनाए। ऐसा केवल एक मूर्ख मोहनदास गांधी ही कह सकता है कि यह संभव है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सो संध्या वार्ता अरविंद के साथ और 18/4/1823 एक शिष्य के द्वारा पूछे जाने पर श्री अरविंद ने उत्तर दिया, मुझे खेद है कि मोहनदास गांधी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिंदू मुस्लिम एकता के विषय में अंधभक्ति दिखा रहे हैं। सच्चाई से मुंह मोड़ने से कुछ होगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुओं को मुसलमानों के साथ युद्ध करना ही पड़ेगा और उन्हें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हिंदू पराधीनता स्वीकार कर ले। एक बार हिंदू की उदारता ने मुसलमानों की ही चलने दी। प्रत्येक बार हिंदू की उदारता ने मुसलमानों की ही चलने दी। सबसे अधिक उचित होगा कि हिंदुओं को अपने आप को संगठित करने का अवसर दिया जाए और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न अपने आप से लग जाएगा। अन्यथा हमें सुना दिया जाएगा इस गलत संतोष के आधार पर कि हमने कठिन समस्या का समाधान कर लिया, जबकि वास्तव में हमने उसे केवल कल के लिए ताक पर रख दिया। एक टाइम बम हमने छिपा करके रख दिया है। एक शिष्य ने पूछा कि यदि भारत की यही नियति है कि हम सभी परस्पर विरोधी तत्वों को आत्मसात कर लें, तो क्या हम मुस्लिम तत्व को भी आत्मसात कर पाएंगे? श्री अरविंद ने तपाक से उत्तर दिया, क्यों नहीं, भारत ने यूनानियों ईरानियों अन्य राष्ट्रों के तत्वों को अपने आप यहाँ आत्मसात कर लिया। किंतु यह तभी होता है जब अन्य तत्व हमारे केंद्रीय शक्ति को मान्यता दे, और वह भी ऐसे कि वे तत्व अपनी विदेशी पहचान खोकर हमारे साथ एक हो जाएं। मुस्लिम संस्कृति का आत्मीकरण इसी आधार पर आरंभ हुआ तथा संभवतः यह प्रक्रिया और भी आगे जाती, पर इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने हेतु यह आवश्यक था कि मुस्लिम मानसिकता में बहुत कुछ परिवर्तन आते। विरोध बाह्य जीवन में है। जब तक मुसलमान सहिष्णुता नहीं सीख लेता तब तक मैं नहीं सोचता कि आत्मीकरण संभव होगा। हिंदू तत्पर है सहिष्णुता के लिए, यह नई सोच का स्वागत करना जानता है। उसकी संस्कृति में यह अद्भुत योग्यता है, बशर्ते उसके केंद्रीय सत्य को स्वीकारा जाए। हिंदू मुस्लिम संबंधों पर श्री अरविंद ने कहा, मैंने चित्तरंजन दास को 1923 में कहा था कि अंग्रेजों के जाने के पहले इस हिंदू मुस्लिम समस्या का हल निकालना होगा, अन्यथा गृहयुद्ध के गंभीर संकट की संभावना है। वह भी इस बात से सहमत हुए, इसका समाधान चाहते थे। मुगलिस्तान एक चेतावनी। मुस्लिम मुगल पाकिस्तान और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां ISI और DGFI द्वारा भारत के बड़े हिस्से को काटकर मुगलिस्तान बनाने की परियोजना, जिसके आधारशिला ऑपरेशन जिब्राल्टर की असफलता के बाद भूतपूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति जिया-उल-हक द्वारा ऑपरेशन टूपैक के अंतर्गत रखी गई है। इसका उद्देश्य भारत को टुकड़ों में बांटना, खुफिया नेटवर्क की सहायता से भारत में तोड़फोड़ करना, नेपाल और बांग्लादेश की असुरक्षित सीमाओं का लाभ उठाकर सैन्य संचालन केंद्रों का निर्माण कर सामरिक गतिविधियों को दिशा देना, और इन सभी दुष्कृत्यों में भारत में बसे और घुसपैठी मुसलमानों की सहायता लेना। जब मुसलमान भारत आए तो उसका एक ही सपना था, इस धरती को इस्लाम का वतन बनाना। उसकी वह कोशिश आज भी जारी है। इसमें सहभागी बने हुए इस धरती का नमक खाने वाले मुसलमान, जैसा कि खिलावत मूवमेंट के सरगना कुख्यात अली ब्रदर्स ने कहा था कि किसी भी स्थिति में एक मुसलमान को यह अधिकार नहीं चाहेंगे वो भी कोई उसका राष्ट्र हो कि वह अन्य मुसलमान के विरुद्ध खड़ा हो। भारत में मुस्लिम जनसंख्या का बढ़ता हुआ सैलाब ले डूबेगा हिंदू जनसंख्या के भारत में घटते हुए अनुपात को। जब तक के हम कांग्रेसी सरकार को भारत से नहीं उखाड़ फेंकेंगे, इस धरती से बाहर न फेंक देंगे, तब तक हमारी समस्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही रहेगी। इसके लिए
आप सभी श्रोता आज से चिंतन प्रारंभ करें, प्रेम स्नान करें, समाधान खोजें और हम निश्चित ही विजयी होंगे। ओम शांति शांति शांति।